स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा, आज कोई हमारे पास सवाल नहीं है, बट तुम्हें कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना है। वो ये है कि अभी ये हमने स्टोरी पे भी शेयर किया हुआ, तो अभी रिसेंटली जो है कल परसों में हमने शॉपिंग किया। शॉपिंग मतलब मान के चलो भाई, हम वो आदमी हैं जो कपड़े पे थाला बहुत कम पैसा खर्चा करता है। मतलब मान के चलो, हमारी कोशिश ये रहती है कि छुट्टियों में घर जाते हैं और भैया के कपड़े उठा के ले आते हैं। हमें लगता है कपड़े वपड़े अपने कौन खरीदता, बड़े भाई होते किस लिए हैं, कपड़े उनके मारने के लिए ठीक है। तो भैया कपड़े वपड़े ले आते हैं, लेकिन इस बार क्या होगी, मजबूरी होगी। तो हमने बताया था कि हमारे कच्छे में कुछ ज़्यादा ही छेद हो गए हैं, तो जो अभी हम लिटरली अभी पहना भी हैं तो इसमें भी छेद है, लेकिन घर पर हैं तो घर पर कौन चेक कर रहा है। लेकिन अब क्या सीन हो गया कि अब हम जाने लगे हैं 2 टाइम जिम। अब क्या हो सकता था, ये कच्छा हम कार्डियो के लिए चले जाते हैं, यानी अगर हम स्टेडियम जा रहे होते तो शायद वहाँ थोड़ी ना कोई झांक रहा है नीचे। लेकिन क्या है, अब कार्डियो अगर जिम में कर रहे हैं तो वहाँ तुम्हें पता होगा कि आसपास तुम्हारे लोग आएंगे, देन तुम रिस्क नहीं ले सकते हो। तो उसके लिए हमें जो है कच्छे लेके आए कल, और कच्छे में चड्डियाँ भी इंक्लूड थी एंड 2 शॉर्ट्स भी थे। तो भाई हमारा सीन ये है कि कच्छों पे इतना पैसा कौन खर्चा करता है, हम टीटी और रूपा वाले इंसान जो 85 और 100 रुपये के आ जाते हैं ये दोनों चीज़ें। और अभी हम जो ये जो है अभी लेके आए ये वाला जॉकी का, ठीक है, इसका ये सीन रहता है कि इसमें स्ट्रैप दिखती है। मतलब कि समझ रहे हो ना कि फ़ोटो वाला सीन, कि जिसमें तुम देखते हो कि इन्फ्लुएंसर शीशे का खड़े होते हैं और ऊपर कच्चे की वो ब्रांड दिख रही होती है। और साला ये 500 से 600 रुपये का है। मतलब कि वो कह रहा था, हमको दिखा रहा था कि ये देखिए ये डिज़ाइन है, अगर तुम मान के चलो बिना स्ट्रैप का लोगे तो 300 साढ़े 300 का, और स्ट्रैप वाला लोगे तो ये 500 से 600 रुपये का। हमने कहा अरे बाप रे बाप, कितना ज़्यादा है। और वो कह रहा है ये लीजिए सर, इसमें प्रिंटेड भी है। हमने कहा प्रिंटेड का क्या करें, कौन सा हमारे अंदर कोई कच्छम झांक रहा है कि अरे क्या बात है अंकित भाई, तुम्हारे प्रिंटेड कच्छे ने तो मजा दिला दिया, तो वो तो नहीं होने वाला ना। तो बस भाई यही हमने कहा कि साला ऐसा तो गलती चीज़ है कि इतना महंगा कच्छे नहीं होने चाहिए थे, कौन सा दिख रहा है। लेकिन अब क्या है, अब तो दिखाना भी वो एक तरीके से फ्लैक्स हो चुका है, तो ये सीन भी है। लेकिन और हाँ, अभी क्या हुआ, अभी हमने इस महीने तो साला खर्चा ही खर्चा हो रखा। अभी हमने क्या है कि 2 टाइम जिम ज्वाइन करी है। जनरली होता है क्या, जिम का रूल होता है कि आप अगर जिम में फीस पे करते हैं तो 2 बार जा सकते हैं। मोस्टली जिम में ऐसा हो सकता है कि हो, लेकिन हमारे जिम का ये रूल है अगर आप फी पे कर रहे हैं तो आप एक ही टाइम जा सकते हैं। तो 2 बार अगर आप जाना चालू किया है तो 2 बार की फीस भी दे रहे हैं, तो वो सीन भी है। लेकिन चलेगा, अगर देखो वो है क्या सीन, इसमें ये भी हम बता दें कि हमारे जिम ओनर बहुत सही हैं। अगर हम उनसे कहते कि आप देख लो फीस वगैरह का, तो वो हो सकता है ना लेते, क्योंकि वो एथलीट्स वगैरह के लिए वो कर देते हैं। लेकिन हमें लगता है कि यार अगर यही हम खुद को वहाँ पर रख के देखते हैं कि मान के चलो कोई हमारा क्लाइंट है जो हमसे ट्रेनिंग ले रहा है, अगर वो कहने लगे कि सर ऐसा है कि हम जो है ना एक बंदे को लेकर आ रहे हैं इसका फ्री कर दो, तो वही चीज़ हमने थोड़ी सी रिलेट करी। और ये भी चीज़ है कि हम ये मानते हैं भाई कि चिरकुटाई नहीं करनी चाहिए। अगर ऊपर वाले ने तुम्हें सक्षम बनाया है किसी चीज़ के लिए कि तुम दे सकते हो तो दो, क्योंकि लास्ट ईयर उन्होंने नहीं हमसे ली थी, क्योंकि लास्ट ईयर हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे। और अभी हम कहेंगे कि अभी कंपटीशन की एक तरीके से प्रॉपर डेडिकेटेड नहीं है, लेकिन साल के एंड में हो सकता हो तब वो नहीं लेंगे, या फिर अगर हम अभी तीसरी बार भी जाना चाहें, जैसे होता क्या है कि कंपटीशन के टाइम हम 3 टाइम जाते हैं क्योंकि रात को हमें पोजिंग भी करनी होती है और स्टीम वगैरह कभी लेना हो तो ये, तो उनकी तरफ से वो सपोर्ट मिलता है, आप 3 बार आना आओ कोई दिक्कत नहीं है कॉम्पिटिशन के टाइम। तो हमें लगा कि नहीं यार, सामने वाला अगर इतना तुम्हें वो कर रहा है क्या कहते हैं सपोर्ट कर रहा है, तो उसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। अगर यहीं अगर हम देने की पोजिशन में नहीं होते कि अगर हमारे पास पैसे नहीं होते, तब हाँ हमारा कहना बनता था कि भाई देख लो तुम्हारा फ़ायदा हो जाएगा, स्टोरी लगा देंगे इस तरीके से। लेकिन अभी हमें लगा कि नहीं भाई, अगर ऊपर वाला तुम्हें किसी चीज़ के लिए सक्षम बना रहा है कि तुम कर सकते हो, तुम दे सकते हो, तो दो, है ना। हर चीज़ का चिरकुटाई दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, और हम अपने ऊपर चिरकुटाई दिखा देते हैं क्योंकि हम खुद के ऊपर खर्चा नहीं करते हैं। लेकिन क्या होता है, जब जिम से रिलेटेड चीज़ है तब हम थोड़ा सा कम एक तरीके से वो करते हैं कि वहाँ हम कर देते हैं, और स्पेशली जैसे गियर्स वगैरह लेने हो कैमरे वगैरह के, चाहे वो लेंस वगैरह हो या कैमरा लेना हो, लैपटॉप हो, इस पर हमने काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्चा किया है, खुद के ऊपर नहीं करते हैं। चाहे वो स्किन केयर रूटीन हो, चाहे वो कपड़े हो, जूते हो, मोजे भी हो, कच्छे भी हो, वहाँ हम खर्चा नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी आर्थिक स्थिति ख़राब है, ऐसा कुछ भी है, लेकिन हम कुछ चीज़ों को मानते हैं कि अभी ज़रूरत नहीं है तो नहीं लेना चाहिए। कहने को तो हम अभी भी ये कह सकते हैं कि अभी जो हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं
वो 40,112 रुपए की है। सोचो हम 27 साल के हैं और अभी हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं जो कि है TVS स्पोर्ट सिटी। 40,112 रुपए की मोटरसाइकिल अभी हम चला रहे हैं और हम खुश हैं भाई। हम नहीं एकदम चुल्लू मछली की क्या कहते हैं हमें चाहिए कोई बाइक, लेकिन हमें पता है कि एक समय आएगा जब गौर साहब जो है डबल साइलेंसर वाली मोटरसाइकिल भी लेंगे। तो अभी वो नहीं है, लेकिन वो चीज़ आएगी ज़रूर। ये एक तरीके से कहते हैं ना कि बस एक छोटा सा पार्ट है जो चाहता है, लेकिन हाँ एक चीज़ भी है कि अभी हम उस लायक हुए हैं कि अभी हमने कुछ ही महीनों या दिनों पहले हमने अपने पापा को मोटरसाइकिल दिलाई थी जो कि 2.5 लाख की थी। तो सोचो ये भी सिनेरियो है कि हम 40,000 की मोटरसाइकिल चला रहे हैं लेकिन हम पाप इतने सक्षम हैं कि पापा को 2.5 लाख की मोटरसाइकिल दिलाई, तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है कि ये हमारी चॉइस है कि हम अगर ये मोटरसाइकिल चला रहे हैं हमें लगता है कि अभी ये बहुत है क्योंकि हमें कहीं जाना नहीं होता है। तो ये सीन भी है, तो हमने कहा चलो तुम्हें ये छोटी सी कहानी बताते हैं। लेकिन हाँ हमारा वो ज़रूर है कि अभी हम सोचने लगें क्योंकि थाली रील इतनी आ गई हमारे सामने कि हाँ अब हमारा मोटरसाइकिल लेने का मन करता है। तो वो हो सकता है, अभी तो नहीं, अभी तो नियर तो अभी कुछ है ही नहीं, मतलब आने वाले दिनों में तो बिल्कुल ही नहीं है, बहुत टाइम है उसमें तो। लेकिन अगर हम मोटरसाइकिल कभी लेंगे तो वो मोटरसाइकिल होनी चाहिए एकदम कहते हैं ना कि क्लासिक टाइप की, डबल साइलेंसर की और बुड़ 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 वाली। तो वो चीज़ भी होगी, कभी ना कभी तो होगी, पर आज नहीं। तो बस भाई यहीं तक की वीडियो रखनी थी, सोचा तुम्हें कुछ बता दें ज्ञान की बात। तो आज कोई हमारे पास सवाल नहीं है और उम्मीद है कि तुम्हें वीडियो अच्छी लगेगी। और आज तुम वर्कआउट देखने वाले हो वो पुश्ड है, बहुत बेहतरीन पुश्ड है बल्कि, तो वो तुम्हें देखने मजा आएगा और देख के बताना कैसी लगेगी वीडियो। स्वागत है फिर से एक और नए ब्लॉग में। एक तो सलाम लग रहा है इसकी क्या कहते हैं मेमोरी खत्म होने वाली है। तो सीन बता दें तुम्हें कि आज से हम कार्डियो की टाइमिंग इंक्रीज कर रहे हैं, एज इन पिछले कुछ दिनों में हम 30 मिनट कर रहे थे, आज से 45 मिनट स्टार्ट करेंगे। और कल जो बारिश हुई भाई उसने मौसम बहुत सही कर दिया है, ठंडा ठंडा एकदम, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी बड़ौदा में, वरना भाई गर्मी में फटे जा रही थी। तो ये चीज़ है, तो आज से 45 मिनट तो सिर्फ कार्डियो ही करेंगे, फिर उसके बाद एब्डोमिनल रूटीन। क्या है कि डबल फीस पे की है तो पैसा भी वसूलना है ना, तो वो चीज़ भी है। बस भाई यही तुम्हें अपडेट करना था ताकि तुमसे वर्कआउट में ही मिलेंगे मेरे ख्याल से। ओके भाई, तो तुम्हारा स्वागत है फिर से एक और नए पुश डे में अगेन। लेकिन साली एक दिक्कत ये होने लगी कि अब साला हमने जो क्या कहते हैं वायर वाला अपना हेडफोन जब से छोड़ा है और इस बर्ड पे आए तो इसकी चुनौती हम घर पे भूल जाते हैं, तो साला इसकी बैटरी बहुत तैयार लगेगी अब। तो ये सीन भी है, बाकी आज पुश डे में ट्रेन करना है एंड वही मेजर क्या अच्छा है मूवमेंट हमें रखने हैं एंड कितने 2 रहेंगे चेस्ट के, 2 ही रहेंगे शोल्डर के एंड 2 ही ट्राइसेप्स के। चेस्ट में एक फ्लैट जाएगी एंड एक डिक्लाइन मशीन जाएगी एंड शोल्डर में एक मशीन प्रेसेस और साइड रेजेस, ये रहेंगे 4 मूवमेंट। बाकी के 2 ट्राइसेप्स में रहना, एक पुश डाउन और दूसरा ओवरहेड, ये रखेंगे। तो फिर आज दोनों हो सकता है लॉन्ग हेड के लिए रखें, तो चांसेस उसके भी हैं। तो बस भाई यही तुम्हें अपडेट करना है, फिर मिलते हैं तुमसे बाहर। ओके भाई ये आखिरी सेट होगा, चौथा सेट यही है, इसमें 25 डालेंगे तो 35 35 35 की और एक 25 की। मैं 3 या 4 ही थे क्लीन तो गए हैं, क्लीन तो 3 ही थे अगर पहला उठाने वाला हटा दो, उसके बाद 3 क्लीन थे
और एक पार्शल था, तो ठीक है। ओके भाई, तो आज थोड़ा सा रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब ये मोमेंट हम ऑलमोस्ट आखिरी में करते हैं वैसे तो, लेकिन आज पहले कर रहे हैं, तो थोड़ा सा एक तरीके से कुछ अलग करने की चुल्ल में कह लो। तो होता क्या है कि इसमें हमारे पास ज़्यादा एनर्जी रहेगी कंपेरेटिवली जो और दिन करते हैं उसके कंपैरिजन में, तो इसमें ज़्यादा पुश कर पाएंगे। पाँच, चार, तीन, दो, एक, ग्यारह, दस, नौ, आठ, सात, छः, पाँच, चार, तीन, दो, एक, जीरो। तो जो आखिरी सेट था वो 80 से किया था मैंने, एंड उसमें कितने सात थे, सात में से छः तो कहेंगे ठीक है फिर भी टच के साथ थे, लेकिन जो सातवा था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल से आया था। मेन ये हो गया मेरे को लगता कि ज़्यादा हम फटीक शोल्डर जॉइंट फील करने लगे थे कि नहीं अब ज़्यादा शोल्डर पे आ रहा है तो उसको रोक देते हैं, वरना जाने को तो एकदम स्ट्रगल करके 10 तक भी जा सकते थे। छः एकदम सही थे, मतलब जैसे हम पूरा फील कर रहे थे कि हाँ हमारे चेस्ट मसल इंगेज कर रही है, लेकिन छः के बाद जैसे हमने एक ब्रेक लिया उसमें फील होने लगा कि नहीं अब तुम्हारा शोल्डर जॉइंट ज़्यादा इंगेज कर रहा है, तो हमने वहीं रोक दिया। लेकिन काफ़ी ज़्यादा सही साइड था, मतलब कि पूरा पंप फील कर रहे हैं। तो जो तुम अगला मोमेंट देखने वाले हो वो है साइड रेजेस। अगेन 15 तो स्टार्ट करेंगे और थोड़ा सा हैवी जाएंगे, मतलब मैक्स हमारा 30 होने वाला है, रेप्स ज़्यादा रखेंगे कम से कम 15 से 20, तो 20 का भी होगा उसमें 15 रेप्स आने हैं। ड्रॉप आज नहीं आएंगे क्योंकि फिर ट्राइसेप में इतना चपील नहीं करेंगे, तो ये सीन आएगा आज के लिए। Yeah. Bing.
तो सीन ऐसा है, अगला मोमेंट जो तुम देखोगे हमने जो किया है वो है ट्राइसेप्स किकबैक। अगेन इसमें कोशिश ये करते हैं कि एल्बोज हमारी बॉडी के पीछे रहें, बहुत मुश्किल होता है लेकिन इसमें पीक कॉन्ट्रैक्शन में अपने लॉन्ग हेड को एंगेज होते हुए पाओगे। तो इस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ये जो अंदर का हिस्सा होता है, क्योंकि ये तुम देखोगे ये हमारा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पहले से ही है। इसकी विजिबिलिटी के लिए हमें कुछ नहीं करना होता, सिर्फ इस तरीके से फ्लेक्स करते तो भी दिख जाता है, लेकिन एक्चुअली जो तुम्हारा साइज़ भी ऐड करता है वो तुम्हारा लॉन्ग हेड है। इवन जब तुम बाइसेप्स फ्लेक्स करते हो तो तुम्हारा यहाँ लॉन्ग हेड ही है जो उसको साइज़ देता है, या फिर एक तरीके से उसका इल्यूजन क्रिएट करता है कि तुम्हारी बाइसेप बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो वो वीक नहीं रहना चाहिए। हाँ, 3, 2, 1।